हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। सत्ता, सरकार, नेता जिसके हाथ में ताकत होती है, राजनीतिक सत्ता, वो नहीं चाहती है कि उसके बारे में कोई भी जानकारी जनता तक पहुंचे, और जनता की हर जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। ये कौन सा खेल है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो सरकार के पास अधिकार है कि वो हर आम आदमी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन के आश्रय उसके जीवन का हर राज जान ले। लेकिन आम आदमी को यह अधिकार नहीं कि वह भी जान सके कि राजनेता अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में जो जो दावे करते हैं वो सच भी है या नहीं। जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी नहीं चाहता कि राजनेताओं के हलफनामे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। दरअसल चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को नवंबर 2017 और फिर अप्रैल 2018 में स्पष्टीकरण देने को कहा था कि आरटीआई एक्ट के तहत चुनाव आयोग को हलफनामे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का अधिकार है। लेकिन सीबीडीटी ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी ने चुनाव आयोग से कहा, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 138 का उल्लंघन होगा। लेकिन मसला ये नहीं कि सीबीडीटी ने क्या तकनीकी तर्क गढ़े, मसला तो यह है कि देश के नेताओं की संपत्ति के बारे में सही सही जानकारी पाने का हक आम आदमी को क्यों नहीं हो, या राजनीति में मान लिया गया है कि राजनेताओं और राजनीतिक दलों में क्या होता है इस बारे में आम आदमी को पता लगना ही नहीं चाहिए, और इसी बाबत सत्ता और विपक्ष एकमत हैं, क्योंकि विदेश से राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है तो स्रोत बताने की जरूरत नहीं, ये सरकार ने कानून बना दिया, और देश में 2000 रुपए से कम के चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं, ये नया कानून है। यानी राजनीतिक दलों के पास उपाय है कि वो अपने सोर्स को छुपा लें, नेताओं के लिए उपाय बनाए जा रहे हैं कि उनकी संपत्ति के बारे में जनता को पता ही ना चले। तो ऐसे में याद कीजिए 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट जो राजनीतिक दलों ने दी। उस वक्त नियम था 20,000 रुपए से कम के चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं, और ऑडिट रिपोर्ट से निकल कर आया कि बीजेपी को 464 करोड़ रुपए चंदा किसने दिया कोई नहीं जानता, कांग्रेस को 126 करोड़ रुपए का चंदा किसने दिया कोई नहीं जानता, पर जनता के खाते में 100 रुपए भी कहां से आ गए सरकार इसे जानना चाहती है, और आम आदमी की संपत्ति में इजाफा कैसे होता है इसे भी तमाम सरकारी एजेंसियां जानना चाहती है, पर सरकार और सरकारी एजेंसी ना ही ये जानना चाहती है ना ही बताना चाहती है कि देश के सेवकों की संपत्ति में 50 से 250 फीसदी तक का इजाफा 5 बरस की सत्ता में कैसे हो जाता है। और अब तो सांसद विधायकों की संपत्ति को सार्वजनिक करने पर भी रोक की बात हो रही है, तो क्या सब कुछ गुपचुप होगा, जबकि प्रधानमंत्री तो पारदर्शिता के पक्षधर हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भरसक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।